नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का राजनीतिक सफर बीच मझधार में फंस गया है। उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। माना जा रहा है कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफे की पेशकश की है। हालांकि तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री की गद्दी संभाले ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा है। 10 मार्च को उन्होंने मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली थी। इस दौरान वो अपने फैसलों से ज़्यादा बयानों को लेकर छाए रहे। सत्ता संभालते ही तीरथ सिंह रावत ने कई मौके पर विवाद खड़ा किया था। उनकी तरफ से ऐसे बयान दिए गए थे जिसकी वजह से विपक्ष ने तो निशाना साधा ही, बीजेपी के लिए भी कई मौकों पर जवाब देना मुश्किल रहा। 14 मार्च को एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की गई थी। अब तारीफ करते करते वो इतने आगे बढ़ लिए कि उन्होंने पीएम की तुलना सीधे भगवान से कर डाली। उन्होंने कहा था कि जैसे राम और कृष्ण को पूजा जाता है, वैसे ही आने वाले समय में नरेंद्र मोदी को भी पूजा जाएगा। जिस तरह से भगवान राम ने समाज का कल्याण किया था, उसके बाद से ही उन्हें भगवान का दर्जा मिला, वैसे ही पीएम मोदी भी समाज के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं और लोग उन्हें भी मानेंगे। तीरथ सिंह के इस बयान पर काफ़ी बवाल काटा गया था। पीएम मोदी को भगवान बताने के 2 दिन बाद ही एक दूसरे कार्यक्रम में तीरथ सिंह रावत ने कहा था कि युवा को फटी जींस पहनकर घूमता देख उन्हें काफ़ी आश्चर्य होता है। फ्लाइट का एक किस्सा शेयर करते हुए उन्होंने बताया था कि फ्लाइट में सफ़र करने के दौरान उन्होंने देखा कि एक महिला अपने 2 बच्चों को साथ में लेकर बिल्कुल पास ही में बैठी थी। वो फटी हुई जींस पहनकर बैठी थी और उन्होंने उससे पूछा, बहन जी कहाँ जाना है? तो महिला ने जवाब दिया कि दिल्ली जाना है। उसके पति JNU में काम करते थे और वो खुद NGO चलाती थी। मैंने सोचा, जो महिला खुद NGO चलाती हो और फटी हुई जींस पहनी हो, वो समाज में क्या संस्कृति फैलाती होगी। जब हम स्कूलों में पढ़ते थे तो ऐसा नहीं होता था। तीरथ सिंह का ये बयान उनके कार्यकाल का सबसे विवादित बयान साबित हुआ था। क्या महिला नेता और क्या बॉलीवुड, सभी ने एक सुर में उनके इस बयान की निंदा की थी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी कहा था कि कोई क्या कपड़े पहनता है, इससे नेताओं का कोई लेना देना नहीं रहना चाहिए। उनकी तरफ से इस बात पर भी जोर दिया गया था कि कुछ नेताओं ने गलत बयानी की है। वहीं एक और कार्यक्रम में वो कोरोना मैनेजमेंट के लिए भारत की तारीफ कर रहे थे, लेकिन बयान में कह गए कि भारत पर 200 साल अमेरिका ने राज किया था। उन्होंने कहा था कि दूसरे देशों की तुलना में भारत कोरोना से प्रभावित अंदाज में लड़ रहा है। वहीं जो महाशक्ति अमेरिका है, जिसने हम पर 200 साल राज किया था, वो संघर्ष कर रहा है। उसके इस बयान की खूब खिल्ली उड़ाई गई थी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने तंज कसते हुए कहा था कि पीएम मोदी बेहतरीन टैलेंट लाए हैं, तो बने रहें हमारे साथ ऐसी ही देश दुनिया की ताज़ा खबरों को जानने के लिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। धन्यवाद।